नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार। आज हम लोग सीटेट टारगेट बैच 2023, जिस सीटेट की एग्जाम जुलाई के महीने में होगी, उसकी तैयारी आपको बाल शिक्षा एकेडमी में देखने को मिलेगी। आज से ही सीटेट टारगेट बैच की शुरुआत आपको बाल शिक्षा एकेडमी में शुरू हो गई है। आज हम लोग पेपर वन और पेपर टू की सबसे महत्वपूर्ण विषय CDP, उसकी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसको जानने की चेष्टा करेंगे। पहला प्रश्न है, विकास क्या है? तो विकास परिवर्तन है, ऐसी परिवर्तन जो माँ के गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक देखने को मिलती है। माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, अर्थात कह सकते कि विकास क्या है, तो जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है जो कहाँ शुरू होती है, माँ के गर्भ, प्रीनेटल एज से शुरू होती है और कब्र तक देखने को मिलती है। और विकास में दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो दो परिवर्तन है गुणात्मक और मात्रात्मक। ये दो परिवर्तन विकास में देखने को मिलते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? तो गुणात्मक परिवर्तन बच्चों के अंदर बुद्धि चेतना से संबंधित है, जो उनके अंदर पाए जाते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं। जो आंतरिक विकास होता है ना, वही गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे उनकी बुद्धि, उनके अंदर संवेग का विकसित होना, उनके अंदर संज्ञान का विकसित होना, उनके अंदर नैतिकता विकसित होना, ये सारे पक्ष गुणात्मक हैं। और मात्रात्मक, उनके स्ट्रक्चर, स्वरूप, हड्डियों में चेंजिंग आना, परिवर्तन आना, ये क्या है? मात्रात्मक है। और ये दोनों पक्ष विकास में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं विकास की विशेषता। तो विकास के परिभाषा में इसकी विशेषता छुपी है। जैसे आपको हमने बताया कि विकास क्या है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमवत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मां के गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक देखने को मिलती है। मां के गर्भ से लेकर कब्र तक देखने को मिलती है, जो सामान्य से विशिष्ट चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है सामान्य से विशिष्ट चलती है, यही इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता इसके परिभाषा में ही छुपा हुआ है। इसकी पहली विशेषता कि यह जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी दूसरी विशेषता तो गर्भ से लेकर कब्र तक। इसकी तीसरी विशेषता, इसमें दोनों आयाम, दोनों पक्ष हैं, दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसकी चौथी विशेषता, ये सामान्य से विशिष्ट जाते हैं। यदि किसी छोटी सी बीज को यदि हम लगाते हैं, बीज लगाने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे विकसित होता है और एक बड़ा पेड़ बनता है। ऐसे नहीं कि लाकर एक बड़ा ही पेड़ बनकर तैयार हो जाए, बल्कि यह क्रमवत चलती है और यह हमेशा सामान्य से विशिष्ट होती है, सरल से जटिल जाती है। और इसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वृद्धि। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ये मान लो कि विकास है, तो इसी विकास का एक छोटा सा हिस्सा है वृद्धि। जो किससे संबंधित है? तो शरीर के बनावटों से संबंधित है। जो शरीर के बनावटें थे उसी से सीमित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये शरीर के परिवर्तन, शरीर के जो परिवर्तन है उससे संबंधित है। कैसी परिवर्तन? छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके शरीर का वेट, हाइट, ये सारा चीज ये क्या है? तो वृद्धि है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो हमें नजर आ सकती है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है? वृद्धि है। जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, इसके लिए यूनिट है किलोग्राम, केजी, किलोग्राम।
हाइट के लिए इंच, जिसको मापा जा सके, मेजर किया सके, इसके लिए इसे हम लोग आराम से माप सकते हैं। और ये क्या है, इसको जब मापते हैं इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें माप है इसलिए इसे हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। इसमें माप देखी जाती है इसलिए इसे हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। तो ग्रोथ में मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विकास क्या है, तो सरल शब्दों में हमने क्या कहा, विकास क्या है, परिवर्तन है। तो कैसी परिवर्तन है, तो जीवन पर्यटन चलने वाली यह प्रक्रिया है, यह कैसी परिवर्तन है, मां के गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक देखने को मिलती है, यही विकास है, जिसमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं, गुणात्मक पक्ष और मात्रात्मक पक्ष। गुणात्मक में आपको बताया कि जो बच्चों का संज्ञान का विकसित होना, बच्चों के चिंतन का विकसित होना, बच्चों के नैतिक विचार का विकसित होना, बुद्धि का विकसित होना, ये बुद्धि जो है ना, ये परिपक्वता जो है ना, विकास का अंश भी एक परिपक्वता होती है जो हम वृद्धि क्या है, तो विकास से ही निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा वृद्धि है, जो कहा इसमें क्या होता है, हड्डियों का चेंज होना, ये सारा परिवर्तन इसमें देखने, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं किलोग्राम से, इंच से, इसलिए इसे मात्रात्मक परिवर्तन इसमें देखा जाता है। तो यदि आपको विकास और वृद्धि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बात शिक्षा एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और इस बार जुलाई में आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट कराएगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे तो एक से का एक दो क्या, कभी कभी तो पांच प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यदि अभी से पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो आराम से 100 प्लस तो कोई नहीं काटेगा। एक 120 से भी ज्यादा आप ला सकते हैं। दीदी, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।